अरे पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख के निकला था मैं, वॉक करने गया पीछे कुत्ता पड़ गया, भाग के आ रहा हूँ मेरी वॉक पीछे रह गई। नानी प्लेट तोड़ दी तूने? अरे नहीं कप्पू, तुझे पता है प्लेट का टूटना बहुत अच्छा शगुन होता है, देखना कोई ना कोई मेहमान जरूर आएंगे। और तू भूल गया कप्पू, जब ग्लास टूटा था मेरा देवर आया था, जब ढोंगा टूटा था तेरी बुआ आई थी, जब प्लेटें टूटी थी मेरा जीजू आया था। फिर रिश्तेदार तो सारे है ही मनहूस, इसमें कुछ तोड़ फोड़ के आते हैं, एक दो तो दरवाजा तोड़ के आ गए थे। यहाँ तो रोज दिल टूटते हैं फिर भी कोई नहीं आता। किस दिन मुंह तोड़वा के देख, दो चार लोग पता लेने आएंगे तेरा। और ये सब बातें हैं। हमारे घर में चारपाई टूटी थी तब तो कोई नहीं आया था। क्यों, चारपाई टूटने के बाद तू नहीं आ रहा दुनिया में? कैसे मनहूस बात की है, मेरा गिलास टूट गया है, लगता है मेरे घर में भी मेहमान आने वाले हैं। कोई ना कोई तो आने वाला है। लग रहा है मेहमान आएंगे। एक तो ना दुनिया में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी नहीं चाहिए थी, प्लेट नीचे नहीं गिरनी चाहिए थी, ऐसे ऊपर जाके किसी के मुंह पे लगनी चाहिए थी। कप्पू कदर करो, ऐसी पड़ोसन किस्मत वालों को मिलती है। मेरे घर की ना, मेरे घर की किस्मत पे नजर डाल के देख, मैंने तेरी किस्मत लाल कर देनी है देख। तू मेरे कप्पू को हाथ तो लगा के देख, गंदी चाय मैंने तेरे मुंह पे मारनी है। ओए खबरदार, अगर मेरी चाय को किसी ने गंदा कहा तो। मैंने कब तेरी चाय को गंदी कहा? उसको नहीं पता किसकी चाय गंदी है। आपके पिताजी की डॉक्टर से भी ज्यादा गंदी है मेरी चाय। सही बात है, लगता ही नहीं डॉक्टर की बेटी, ऐसा लगता है किसी ने स्पॉन्सर की है। खबरदार अगर मेरी बेटी का मजाक उड़ाया तो। हंस क्यों रहा है फिर? बात चाहे मेरी बेटी की है लेकिन है तो मजेदार। और स्पॉन्सर जैसा मुंह है, उसका तो मुंह फिर भी स्पॉन्सर किया है किसी ने, तो अपना मुंह देख सारे स्पॉन्सर मुकर जाएंगे। तो बात कर रहा है बता बदमाश, मैंने यहीं पे थूक फेंक के मारने तेरे मुंह पे। डॉक्टर साहब अगर मुंह पिचकारी जैसा ना, इसका ये मतलब नहीं कि थूक फेंकते रहो। यार तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? इसमें तो मेरी इंसल्ट होगी ना, जो तुम्हारे लेफ्ट में खड़ा उसके बारे में कुछ बोलो। ये तो क्रिएटिविटी की हद होगी यार। चल बेटी स्पॉन्सर थे सन। मेरे को गुस्सा आ रहा है पर मेरी हंसी नहीं रुक रही, बात अच्छी है। शाबाश कपूर शाबाश। शाबाश किस बात की? मेरे पास तुझे देने के लिए और कुछ नहीं है ना, तेरे नाना की शाबाश पड़ी थी वही दे दी, उसे संभाल के रखना, सुहागरात में दिया था उन्होंने मुझे। चल नौटी कहेगी, चल एक कप चाय पिलाओ। घर में दूध नहीं है। चंदू तू चाय पिला दे। मेरा मूड नहीं है। What is this all nonsense? और तू? अच्छा वही आ गया, चल भाग के चाय ले गया। चल चाय। और मैं अमीर आदमी हूँ, और अमीर पता कौन होता है? वो जो खाने से पहले सूप ऑर्डर करता है, और उसके बाद स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, फिर उसके बाद स्वीट डिश, फिर फिंगर बॉल, और फिर बिल, और जब बिल देता है तो पता क्या कहता है? कीप द चेंज। एक्सक्यूज मी, मेरी दवा का टाइम हो गया। तेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई अभी? गरीब आदमी है, बीमारी भी नीचे नीचे वाली याद रखी हुई है, हाई ब्लड प्रेशर का पता ही नहीं है। यह दवा मैंने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए रखी हुई है, जब मैं गरीब देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। और जात तेरे जैसे बड़े बड़े हमने नौकर रख रख के निकाले हुए हैं। अच्छा तू जानता नहीं मुझे, सिद्धू भाजी पैसे वाला आदमी हूँ, पैसा बहुत आ गया मेरे पास, और आपको सुनकर हैरानगी होगी मेरे अपने जाति तेल के कुएं। तुम्हारे तेल के कुएं तो जैस हमारे आदमी है। वो क्या करते हैं? वो ऐसी जो फालतू बातें करते हैं कुएं में धक्का देते हैं उनको। हमारी खुद की रेल की पटरियां हैं। तो बाथरूम क्यों नहीं बनवा लेते? कपिल शर्मा देश के सबसे अमीर आदमी, ये किसने लिख दिया? ऐसी बातों को गलती से भी नहीं लिख सकता।
कपिल शर्मा, कपिल शर्मा ने नसीम विक्की को किया माफ। Enjoy. ये सच मुझ तो नहीं लिखा हुआ। और पागल, मैं बाथरूम बनवाऊंगा? मैं अमीर आदमी हूँ, मैं गंदी चीजें नहीं बनवाता। जब रेल की पटरियां हैं तो बाथरूम पे पैसा क्यों लगाएं? अच्छा एक बात है, बहुत बड़ा हौसला होता आपका अपना बाथरूम है ना, आप अपने टाइम से हिसाब से फिनिश करके निकलते हो। रेलगाड़ी के टाइम पे आपको उसके टाइम के हिसाब से फिनिश करना होता है। कई बार गाड़ी तेज आ जाती है, आपको कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़नी पड़ती है। इस आदमी के हौसले की दाद देता हूँ। आपको पता है आपका हौसला और आपका मुंह, इसमें एक कॉमन चीज क्या है? कौन सी? दोनों बहुत बड़े, तोड़ूंगा मैं किस दिन। एक बार बता, इतना हाँ? अमीर आदमी हो गया तो इधर क्या करने आया? एक्चुअली मेरा बंगलो बन रहा है। मैंने सोचा जितनी देर बंगलो बन रहा है मैं इस घर में रह लेता हूँ। और तुझे पता है मेरा बंगलो कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? हमारे घर के अंदर समंदर है। हमें अपने बेडरूम से बड़े हॉल तक जाने के लिए शिप चाहिए होता है। जब तू हमारा शिप देखेगा तो कहेगा ओ शिप। और दो कश्तियां, एक उधर से आती है एक उधर से आती है, तो आपस में टकराती नहीं है? हम देख के चलाते हैं। तो शिप रखे हुए हैं। हाँ। समंदर, समंदर, हमारे समंदर में तो हमारे खुद के तूफान आते हैं, वो भी दो दो, एक उधर से एक इधर से, कभी कभी तो हम ही फंस जाते बीच में। तूफान की बात कर रहा है, तूफानों की कमी नहीं है हमारे पास। शादी कर ली है मैंने। वाह क्या बात है, भाभी से नहीं मिलाया? अभी मिलाता हूँ। ट्विंकल नमस्ते जी। हेलो जी, हाउ डू यू डू? नमस्ते सिद्धू भाजी, कैसे हैं आप? धमाका। लगता है आप गलत सोसाइटी में आ गई। नहीं नहीं, गलत सोसाइटी में तो मैं चली गई थी, अब तो मैं सही सोसाइटी में आई हूँ। वैसे भी सिद्धू भाजी, आपको पता है परिवर्तन समाज का नियम होता है, और ये बात आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए ना, तो उसे भूला नहीं कहते, भूला नहीं कहते। मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, केबल टीवी पे आता है। अच्छा, देखती है हम प्रोग्राम? हाँ, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अच्छा हाँ। वैसे आप दोनों की शादी कैसे हुई? हाँ, देखा, जहाँ बड़ा आदमी देखता है इसका इंटरव्यू निकल जाता है। बैठ के पूछो, चाय मंगवा लो, पी लूंगा मैं। खैर भाई, चाय रहने दो। अच्छा, आपकी मुलाकात कहाँ से हुई थी? कैसे, मतलब मिले कहाँ से? वो क्या है कि ये फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, मैंने इस उम्मीद पर इनसे शादी कर ली कि ये मुझे फिल्मों में काम देंगे, पर इन्होंने आज तक मुझे फिल्म में काम नहीं दिया। अभी स्टोरी पे काम चल रहा है, मैं इनको सलमान खान के खिलाफ रोल दे रहा हूँ। खिलाफ नहीं, अपोजिट होता है। देखो भाई साहब, जब मैं सलमान खान को बोलूंगा कि आपके अपोजिट मैं इनको हीरोइन ले रहा हूँ, वो तीनों भाई बाप समेत मेरे खिलाफ होंगे कि नहीं? चीकू। ये आपके मुंह पे छींक क्यों रही हैं? वो छींक नहीं रही, जब फ्लू होता तो मेरा नाम लेती, चीकू मेरा नाम है। अच्छा, आपका नाम चीकू है? चीकू। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कौन सी फिल्म आई आपके पहले? बस अभी एक बात चल रही है, अमिताभ बच्चन के साथ बना रहा हूँ फिल्म। अच्छा, फिर? फिर उन्होंने स्टोरी सुन ली, लो जी उन्हें पता चल गया कि ये शहनशाह फिल्म की कहानी है। वो असल में मैं समझा कि बहुत देर हो गई है, बहुत टाइम हो गया, भूल गए होंगे, उनको याद था। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates